नमस्कार दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल को हिट जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम प्रोग्रेस बार चार्ट दिखा सकते हैं। प्रोग्रेस बार चार्ट ये सेल के अंदर ही दिखाया जाता है। ये बड़ा छोटा सा ग्राफिक है जो हमें छोटे रिपोर्ट्स में काम आता है, जहाँ पे हमें गैंट चार्ट की जरूरत नहीं है, गैंट चार्ट यूज करने की जरूरत नहीं है और प्रोग्रेस भी उस सेल के अंदर दिखानी है तो वहां पे हमें ये इस्तेमाल में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए मैंने कुछ डेटा कॉपी करके रखा हुआ है, जैसे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, असाइन टू, ये सारा डेटा कॉपी हो रखा है। अभी समझ लीजिए कि ये आपका एक टास्क है। इस टास्क को कंप्लीट डिजाइन डिपार्टमेंट ने करके रखा हुआ है अराउंड 40%। अगर 40% उन्होंने कंप्लीट करके रखा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि यहां पे परसेंटेज का साइन भी अपने आप आ जाए और यहां पे प्रोग्रेस भी अपने आप दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और एक नया सिंपल सा रूल बनाएंगे। ये रूल है आपको फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज पे जाना पड़ेगा। तो ये करता क्या है, ये सेल में जो वैल्यू दी गई है उसके बेसिस पे उस सेल को फॉर्मेट करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट स्टाइल लिखा हुआ है, फॉर्मेट स्टाइल हमें चूज करनी है। तो अगर मैं चूज करता हूँ कि डेटा बार, यहाँ पे जैसे है दो कलर तीन कलर की स्केल या फिर डेटा बार या फिर आइकॉन सेट्स भी आप कर सकते हो, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जिस काम के लिए हमने वीडियो बनाया है वो देखते हैं। तो वो होता है डेटा बार। डेटा बार पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डेटा बार का फॉर्मेट ओपन होता है। दिस इज नथिंग बट ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज इसमें देनी पड़ती है। जैसे कि ये वैल्यूज तो ऑटोमेटिक आती है बट यहाँ पे वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। जैसे टाइप में आपको नंबर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी मैक्सिमम पे नंबर लेना पड़ेगा। नंबर क्या रहेगा, नंबर की वैल्यू 0 से लेके 1 रहेगी इसके बीच में। और कलर क्या रहेगा, ये आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप कलर रख सकते हो। तो मैंने कलर सिलेक्ट कर दिया है, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर सेट कर दिया है, डेटा बार को भी सेट कर दिया है। अब मैं क्लिक करता हूँ ओके। ओके बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इस सेल में मैंने लिखा हुआ है 40%। तो 40% आपका प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50% तो 50% प्रोग्रेस आपका नजर आ रहा है। इस तरीके से आप प्रोग्रेस बार को या फिर कहिए सेल में प्रोग्रेस बार को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम अपना प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। प्रोग्रेस बार में हमने कलर को थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि नीचे दिए गए जो परसेंटेज है वो ब्राइट नजर आए। तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि अगर कोई टास्क 100% कंप्लीट हो जाता है तो हमें ये पूरी लाइन, जैसे टास्क कंप्लीट हो चुका है और अब उस टास्क के बारे में हमको बॉदर करने की या फिर सोचने की जरूरत नहीं है, पर वो टास्क हमें इस लाइन में चाहिए बट हमें लाइन देखते ही पता चल जाए कि इस पे हमें ध्यान देना नहीं है। ये इसलिए करना है दोस्तों कि ये बड़ी सहूलियत होती है कि ये पूरा बार चार्ट देखने, ये पूरा डेटा देखने के बाद हमें पता चल जाए कि कौन से टास्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं फिर से जाऊंगा प्रोग्रेस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल एक बनाऊंगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पे एक सिंपल सा रूल बना दूंगा। रूल क्या रहेगा, इक्वल्स टू का साइन, आपकी पहली सेल इक्वल्स टू 100%। अब इसमें मैं कॉलम को फिक्स करना चाहता हूं बट रो को हर बार चेंज करना चाहता हूं। तो मैं कॉलम को
डॉलर का साइन देके फिक्स कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा फॉर्मेट में और यहाँ पे मैं फॉन्ट को एक फेंट कलर में प्रेजेंट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे फिर से आपको ओके करना है। अभी रूल पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है, वो इसलिए अप्लाई नहीं हुआ है, हम फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जाएंगे मैनेज रूल्स में और फिर जो रूल्स हमने अप्लाई किया है वो हर एक सेल को या फिर इस टोटल टेबल को फॉर्मेट हमें करना है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और इस टोटल टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे A2 से लेके N19 तक सिलेक्शन हो चुका है। इसमें रूल को अप्लाई करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो पूरी लाइन यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुकी है। अगर हम इस 90% को कभी भी जब 100% करेंगे तो वो भी लाइन अपने आप प्रिंट आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रोग्रेस बार चार्ट दिखा सकते हैं सेल के अंदर और दिए गए और कंप्लीट किए गए टास्क को भी पेंट अवे या फेड अवे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकॉन बटन जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।